अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है इंदौर से। डकैती गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह के पास सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों से डकैती की सामग्री भी बरामद की गई है। रेकी करके इस वारदात को अंजाम देते थे। एरोड्रम थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं, डकैती गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों से डकैती की सामग्री भी जब्त कर ली गई है। रेकी कर वारदात को अंजाम दिया करते थे आरोपी। 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एरोड्रम थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं। डकैती गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा क्या कुछ जानकारी? देखिए, ये करीब 8-9 दिन में पुलिस ने बड़ा सक्रियता दिखाई है यहाँ पर। और अभी नए डीआईजी जो मनीष कपूरिया हैं, इन्होंने बड़ा स्ट्रांग शुरू से आते से ही पुलिस के थाना प्रभारियों और सीएसपी और एसपी की बैठक ली थी। उसका नतीजा रहा है कि अभी पिछले 3-4 दिनों से लगातार कुछ ना कुछ खुलासे पुलिस करती आ रही है। और ये जो आज 30 और 31 जनवरी की रात के दरमियान जो हादसा हुआ था, ये हाइलिंग सिटी एरोडम क्षेत्र में आती है और एक सीए के घर वारदात हुई थी। तो इसके रिश्तेदार जो है, सीए के रिश्तेदार ही निकले हैं और अपनी बुआ के यहाँ भतीजे ने डकैती की है। एक्चुअल ऐसा खुलासा हुआ इस मामले को लेकर। तो अपनी तरीका अपना रोचक है कि परिवार या रिश्तेदार जो है ये इसमें शामिल पाए गए हैं और रेकी करते थे ये लोग अलग अलग मकानों की। और इनसे वहां पास के ही मकान में एक और चोरी हुई थी, उसके बारे में भी शायद इन पे शंका जाहिर की जा रही है। और ये धार जिले के बाग टांडा के रहने वाले बताए जा रहे हैं और 5 सदस्य हैं। और इनसे कुछ सामग्री बरामद हुई है, जिससे जेवरात में अंगूठी चूड़ी चेन वगैरह ये बरामद किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि इनसे और भी कुछ लूट या चोरी की घटनाओं का खुलासा एरोड्रम पुलिस को होगा, ऐसा बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआईजी के द्वारा। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है जिनसे डकैती की सामग्री बरामद हुई है। और साथ ही जिस तरीके से पुलिस पूछताछ कर रही है, अभी और भी कई खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। 30 और 31 जनवरी की दरमियानी रात में एरोड्रम क्षेत्र में सीए हैं मिस्टर अजीत चोपड़ा, उनके घर में डकैती की वारदात हुई थी और नकदी और सोने चांदी के जेवरात बदमाश लेके गए थे और 5 अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। 5ों ने अपना अपराध स्वीकार किया है। 30